जम्मू के पुलवामा में हुए शहीद सीआरपीएफ के जवानों की मौत के बाद से पूरे देश में लोगों के बीच आक्रोश पैदा हो गया है और लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ जमकर सड़क पर उतरकर पीएम मोदी से पाकिस्तान पर हमला करने की बात कर रहे हैं। वही सिवान के आंखोपुर गांव में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में चंद्रभूषण मिश्रा, जितेंद्र तिवारी, गुड्डू तिवारी, चंचल तिवारी, सन्नी मिश्रा, अंकित तिवारी के साथ गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए और कैंडल मार्च निकाला आंखोपुर गांव में। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के आंखोपुर गांव से, लोगों में काफी आक्रोश है। लोग यह कह रहे हैं कि मोदी से मुझे विकास नहीं चाहिए, मोदी जल्द से जल्द पाकिस्तान पर हमला करें। तो सीधी तस्वीरें हम सिवान के आंखोपुर गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर अशोक तिवारी, किशोर तिवारी, प्रेम तिवारी और शत्रुघ्न शाह भी इस कैंडल मार्च में शामिल हैं। यानी कि शहर से लेकर ग्रामीण तक के लोगों के दिलों में बस अब एक ही आवाज है कि पाकिस्तान पर हमला करो। और अब देश के सभी लोग चाहते हैं कि जिस तरह से कायराने हमले में हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों की मौत हो गई, तो 40 के बदले हमें 400 पाकिस्तानियों का सर चाहिए। एटीएन लाइव के लिए अनूप तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मामला में मैं यही कहना चाहेंगे मोदी जी से कि विकास को रोक दो और सभी आतंकवादियों को ठोक दो। विकास नहीं चाहिए हमको, हमारे सैनिकों का मौत का बदला चाहिए। मोदी जी से क्या अपील रहेगी? मोदी जी से क्या अपील रहेगी? हमारी मोदी जी से यही अपील है कि आप विकास को रोक दो और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के ठोक दो। हम यही कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में घुस घुस कर मारेंगे और मारो। सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि जिसके बदला 4,000 उग्रवादियों को मारा गया। और मोदी जी से क्या अपील रहेगी आपकी? मोदी जी से यही अपील है कि उग्रवादियों को सफाया हो। दिन पर दिन भारत के सैनिक मारे जा रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर तो सभी लोग दुख व्यक्त कर ही रहे हैं, हम लोग भी दुख व्यक्त कर रहे हैं।